हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? लो जी, आज फिर आपके सामने एक नई अचीव, मिस्टर अजीत कुमार चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। फ्रेश पासपोर्ट है, कहाँ का वीजा आया है, कितने का आया, कैसे आया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, जिन लोगों की शिकायत बार बार है कि हमसे अपॉइंटमेंट नहीं बुक होती है, बार बार बोल चुका हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि टेलीग्राम चैनल जो है, ग्रुप जो है, इसको ज्वाइन करो और वहां पे ही हम लोग नोटिफिकेशन डालते हैं अपॉइंटमेंट की। तो चलो हम मीट करवाते हैं मिस्टर अजीत जी। सर जी, आप कब से जुड़े हो हमारे साथ? साल हो गया जी। मर्दानी आवाज में बोलना है? एक साल हो गया जी। एक साल हो गया? हाँ जी। इतना भी नहीं बोलना, बच्चे डर जाएं। एक साल से जुड़े हुए हैं। और कितनी बार हमसे मिले हैं? मैं फोर टाइम थ्री फोर टाइम ये आ चुके हैं, क्योंकि तीन बार अपॉइंटमेंट लेके आए हैं और चौथी बार आज हो गया इनका। तो सर, ये जो वीजा लगा है आपका, इनका मैं पहले बता देता हूँ, इनका जो वीजा लगा है वो लगा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का वीजा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। मानते हो वीजा लंगर है? हाँ जी, बिल्कुल जी। कितने का आया वीजा? ये कितनी फीस है इसकी? 12,500। 12,500 का ये जो है वीजा पड़ा है। हमने आशु भद्वा वीजा एडवाइजर सर कोई पैसे की आपसे बात की, जो लोग कहते हैं कैप्टन अंडर टेबल पैसे लेता है कुछ, कोई भी आपसे डिमांड की हो, कोई डिमांड, कोई रीच की डिमांड की हो? नहीं बिल्कुल। कोई मैंने आपसे डील की हो किसी तरह की, कोई अंडर टेबल पैसे लूंगा या कुछ है? किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं करी सर, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर कौन कौन से लगे थे? पेपर लगे हैं अपना 4 बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं उसको, आईटीआर है, 2 साल की आईटीआर है। 2 साल की थी? 2 साल की आईटीआर है। ओके। और अपना सैलरी स्लिप है। इनके जो बैंक लगे हैं वो लगी है एक बैंक स्टेटमेंट 1 अगस्त से। हाँ जी, 1 अगस्त। 1 अगस्त से अप टू तक लगी थी, यानी दिसंबर तक, जब भी इन्होंने फाइल जमा करवाई है। और 4 सैलरी स्लिप लगा था, 1 एनओसी लेटर लगा था, 1 ऑफर लेटर लगा था। ये था अपना जॉब का पार्ट, इनकम प्रूफ, फाइनेंस प्रूफ में इनका जो था वो बैंक स्टेटमेंट थी। कोई एफडी थी? नहीं, एफडी इनके पास नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट थी। कितने की थी? बैंक स्टेटमेंट 4.5 लाख की। 4 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, यानी टोटल 4 लाख इनके पास फंड था। और आईटीआर लगे थे, वो भी 2 साल के थे, ना कि 3 साल के थे। सिर्फ डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि आप किस प्रोफाइल में अपनी फाइल डाल रहे हैं, किस लिहाजे में डाल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर, ये जो वीजा लगा है, इस वीजे की डिमांड बार 12-12, 15-15 लाख में की जाती है, ये आपको भी पता है। चंडीगढ़ में बहुत है सर, चंडीगढ़ मोहाली में बहुत है, इसलिए मैं बार बार इसको मानते हो वीजा लंगर है। हाँ जी, है जी, वीजा लंगर है जी, लगा है। हाँ जी। और कोशिश करना इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, जैसे ये भाई का फायदा हुआ है, कि अब तक किसी दूसरे का फायदा हो जाए, आपका ना हो भले, लेकिन आपके चलते किसी दूसरे का हो जाए। सर, आपका लास्ट एक सुजेशन क्या रहेगा लोगों के लिए? मेरा ये सुजेशन है कि अगर किसी ने वीजा लगवाना है बाहर का, अगर वो परेशान है, अगर उसका कैंसिल भी हुआ कई बार, तो एक बार सर से जरूर आके मिल ले। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास आके काम करवाइए, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ, अगर आप परेशान है ना, हमसे एक बार डिस्कस कीजिए। रिफ्यूजल चाहे 1 है या 10 है, फर्क नहीं। और फर्स्ट टाइम में लगेगा वीजा? वीजा आता है फर्स्ट टाइम में। और जिस तरह से इनको पेपर सुजेस्ट किए गए, आपको बोला कि ऐसे सैलरी डालनी है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मैच की गई, बैंक मैचिंग किया गया, अनएसएससी जो आपकी पेमेंट बैंक में आती है वो सारी क्लियर की गई, क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ सैलरी स्लिप में जो थी सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चे शो किए, और उसी में ये जो है वीजा आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा काम है, नहीं, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगी, कोई सीए रिपोर्ट नहीं लगी, कोई स्टाम्प नहीं लगा, कोई एफएडीएफ नहीं लगा, कोई आंड गांड के पेपर नहीं लगे, कोई बड़ा फंड दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आप लोगों को बताते हैं ना कि फंड हम शो करेंगे, वो सारा का सारा फेक लगाते हैं, एडिट लगाते हैं। तो इन चीजों में मत जाइए, जेन्युइन फंड रखिए, चाहे वो 3 लाख ही है, 4 लाख ही है, इनका 4 लाख में बैंक बैलेंस में जो है वीजा आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब हर इंसान, हर गरीब अमीर बाहर जा सकता है। प्रॉपर्टी का तो बीच में सीए रिपोर्ट का तो नाम ही खत्म हो गया। हाँ जी, लगी है? नहीं लगी। कितना पैसा बचा बोलो? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का पैसा बचा। हाँ जी। सीए रिपोर्ट का पैसा बचा। हाँ, एफएडीएफ का पैसा बचा। और नजायज सी वो स्टंप रहते हैं, नोटरी के स्टंप करवा कर वैलिड फोनिंग कंट्री की करेंसी क्या लिखा होता है उस पर स्टंप लगा देते हैं, क्या फायदा उन चीजों का यार। सो फाइनली फिर भी मैं यही बोलूंगा कि जुड़े रहिए, बड़े रहिए। और ये कागज के टुकड़ों के लिए, लोन, घर बेचना, जायदाद बेचना, सोना चांदी, माँ बाप को कर्जाई करना, इन चीजों से बाहर आ जाइए।
अब ये बच्चे को ये टेंशन नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे बाप को लोन की किस्त भरनी है या जेवर छुड़वाना है या जमीन जायदाद छुड़वानी है, ध्यान रखना, क्योंकि इस बच्चे ने 12,000-13,000 में वीजा लिया है, बात खत्म। जो भी एक फीस है 110 की कितनी पाउंड फीस है और BFS की फीस है, जो भी वट एवर है 12-13-14,000 जो बनता है उसमें ये जायज वीजा है। इसके अलावा ना डॉक्यूमेंटों पे खर्चा हुआ है, ना इन्होंने किसी तरह की कोई डील की थी, ना ही इन्होंने किसी तरह का लोन उठाया, ना ही कोई जमीन जायदाद बेची है। तो आप ऐसी मूर्खता ना करें और अपने आप को और अपने परिवार को शिमला मिर्चियों से सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।